बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक करंट अकाउंट की। और अगर आपका करंट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर करंट अकाउंट के बारे में। ये सबसे बेसिक करंट अकाउंट है और इसमें जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि फ्री मंथली कैश डिपॉजिट है 5 लाख रुपये तक। यानी अगर आप अपने खाते में कैश डिपॉजिट करते हैं महीने में 5 लाख तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करेंगे तो फिर उस पर कैश हैंडलिंग चार्ज लगते हैं। इसके अलावा चेकबुक में आपको हर महीने 50 चेक लीव फ्री मिलने वाला है। RTGS NEFT यदि आप कराते हैं तो उसमें वही चार्ज लगेगा जो कि नॉर्मल कस्टमर से लिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो उस पर भी आपको चार्ज पे करना होगा नॉर्मल चार्ज जो कि सामान्य ग्राहकों से लिया जाता है। इसके अलावा नॉन होम ब्रांच में जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है वो मैक्सिमम 1 लाख पर डे है। यानी कि आप एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट अपने करंट अकाउंट में नहीं करवा पाएंगे नॉन होम ब्रांच में। आइए अब बात करते हैं गोल्ड करंट अकाउंट के बारे में। गोल्ड करंट अकाउंट में जो मंथली एवरेज बैलेंस है जो कि आपको मेंटेन करना है वो 1 लाख रुपए है। रेगुलर में वो 10,000 था लेकिन गोल्ड में वो 1 लाख रुपए है। और चूंकि इसमें मंथली एवरेज बैलेंस ज़्यादा है तो इसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। जैसे कि जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है फ्री ऑफ कॉस्ट वो 25 लाख रुपए है हर महीने। यानी 25 लाख रुपए आप महीने में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इस पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन 25 लाख से ज़्यादा होने पर आपको कैश हैंडलिंग चार्ज पे करना होगा। ध्यान दीजिए कि रेगुलर करंट अकाउंट में ये लिमिट सिर्फ 5 लाख की थी। गोल्ड करंट अकाउंट में आपको हर महीने 300 चेक लीव्स फ्री मिलते हैं। गोल्ड करंट अकाउंट में 300 है जबकि रेगुलर में सिर्फ 50 थे। नेफ्ट और RTGS, गोल्ड करंट अकाउंट में नेफ्ट और RTGS पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आप गोल्ड करंट अकाउंट में हर महीने 50 डिमांड ड्राफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करा सकते हैं। नॉन होम ब्रांच में जो कैश डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट है वो इसमें 2 लाख रुपए पर डे है। रेगुलर में ये 1 लाख रुपए पर डे था। हमारा तीसरा करंट अकाउंट है डायमंड करंट अकाउंट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि और भी ज़्यादा प्रीमियम है तो इसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपको 5 लाख रुपये मेंटेन करना है। गोल्ड करंट अकाउंट में 1 लाख था और डायमंड में ये 5 लाख रुपये है। ज़्यादा है तो बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। जैसे कि कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है फ्री ऑफ कॉस्ट वो 1 करोड़ रुपए तक है। आप 1 करोड़ रुपए तक कैश डिपॉजिट हर महीने कर सकते हैं, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। हर महीने आपको 700 चेक लीव फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा डायमंड करंट अकाउंट में। नेफ्ट RTGS अनलिमिटेड फ्री है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है कि डिमांड ड्राफ्ट भी अनलिमिटेड फ्री है। गोल्ड करंट अकाउंट में सिर्फ 50 डिमांड ड्राफ्ट महीने के फ्री थे, लेकिन डायमंड करंट अकाउंट में ये अनलिमिटेड फ्री है। नॉन होम ब्रांच में जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है वो गोल्ड और डायमंड दोनों में ही 2 लाख रुपये पर डे है, तो ये दोनों में सेम है। हमारा आखिरी करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आप ओपन करवा सकते हैं वो है प्लैटिनम करंट अकाउंट। दोस्तों, प्लैटिनम करंट अकाउंट में जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपको 10 लाख रुपये मेंटेन करना होगा। इसमें जो कैश डिपॉजिट है वो अनलिमिटेड फ्री है, यानी कि आप महीने में जितना चाहें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इसमें सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड ही मिलेंगी, जैसे कि चेकबुक भी अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे यूज कर सकते हैं। नेफ्ट RTGS तो अनलिमिटेड है ही, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट तो अनलिमिटेड डायमंड में भी था, प्लैटिनम में भी है। और मैक्सिमम कैश डिपॉजिट लिमिट नॉन होम ब्रांच की जो है वो इसमें भी 2 लाख रुपए पर डे ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 तरह के करंट अकाउंट के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसमें मंथली एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना है, साथ ही आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। शुक्रिया।